ये एक बार भी कहा किसने कि बाहर का डीजे हाँ नहीं आना चाहिए? बताओ किसने कहा हो कि बाहर का डीजे हाँ नहीं आना चाहिए? हम कह रहे हैं बाहर के डीजे आने चाहिए, जितने भी ज्यादा ज्यादा हमें सब हमें। हेमंत भैया किसी डीजे को लाने के लिए मना नहीं कर रहे, ना हमारे वीरेंद्र बब्बर जी किसी डीजे को लाने के लिए मना कर रहे कावड़ यात्रा में। डीजे सार्जन भी नहीं आ सकता अगर जब तक कंडीशन ठीक नहीं होगी, डीजे पंकज भी नहीं आ सकता कंडीशन ठीक नहीं होगी, डीजे शशि भी नहीं आ सकता और डीजे पावर म्यूजिक भी नहीं आ सकता। भैया ने पहले भी बोला था हम किसी डीजे के खिलाफ नहीं है और हमेशा अनुज भैया ने ये चीज बोली है। मैं इस वीडियो के बीच में कहीं एक क्लिप ज्वाइन कर रहा हूँ, एक दो क्लिप इसमें अनुज भैया के बातों की आने वाली है, तो प्लीज इस वीडियो को देखते रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा। एसोसिएशन की तरफ से 25 तारीख का फैसला पूरा एसोसिएशन के पक्ष में आना चाहिए। ना किसी यूट्यूबर को गलत नहीं बोला जा रहा है, अगर आप अपने मन पे ना लेकर जाए तो किसी यूट्यूबर को गलत नहीं कहा जा रहा है। उनकी ही कृपा से एकदम मस्त जिंदगी है। हर हर महादेव, जय श्री राम। मेरे भाइयों कैसे हो आप सभी, कैसे हो एक बार अपने भाई को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अनुज भैया की आज एक वीडियो आई है, अनुज डीजे धड़कन की तरफ से एक वीडियो आई है अभी, और कहीं ना कहीं बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छी वीडियो है, मैं ये नहीं कहता। और हो सकता है कि आपका भाई इस वीडियो को पूरा सपोर्ट करे, बिल्कुल भाई हो कह सकता है, हम सपोर्ट में हैं इस वीडियो के, मैं खुलकर बोल देता हूँ मैं इस वीडियो का बिल्कुल सपोर्ट में हूँ और किसी भी तरीके से गलत नहीं है, बहुत ही अच्छी वीडियो है अनुज भैया की तरफ से। क्योंकि अनुज भैया एक ऐसे यूट्यूबर हैं, ऐसे डीजे वाले हैं, कुछ मेरे जो चुनिंदा डीजे वाले हैं और कुछ अच्छे हैं, तो उनके बारे में मैं बता देता हूँ। यूट्यूबर की इज्जत, अनुज भैया यूट्यूबर की इज्जत करना जानते हैं। अनुज भैया को पता है कि यूट्यूबर कितनी मेहनत करके अपने चैनल को बढ़ाता है, तो अनुज भैया हर किसी यूट्यूबर के लिए गलत नहीं बोलते, तो इसीलिए मैं अनुज भैया के लिए ये वीडियो स्पेशली लेकर आया हूँ। अब इस वीडियो में आपको बाहर की नॉइज थोड़ी सी आ रही होगी, इग्नोर कर देना। अनुज भैया कैसे समझते हैं भाई, मैं भी अनुज भैया के पास गया हूँ, केवल 2 से 3 मैं उनसे मिला हूँ अभी तक, अपने आने वाले टाइम में जो और भी मिलना हो जाएगा, लेकिन अभी तक मैं अनुज भैया से 2 से 3 मिला हूँ और 2 से 3 ही मैंने उनको देखा है। भाई रियलिटी में वो एक नेक्स्ट लेवल इंसान है, वो जो बात बोल रहे हैं कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो सारी बातें सच हो। देखो मैं बिल्कुल क्लियरेंस नहीं बोल सकता किसी के बारे में, मैं गलत भी नहीं बोलूँगा, कोई भी भाई हमारा ये ना समझे कि मैं किसी के लिए गलत बोल रहा हूँ और कोई भी ये ना समझे कि मैं उनके लिए गलत बोल रहा हूँ, क्योंकि होता है भाई बहुत सारे भाई अपने ऊपर बहुत सारी बातों को ले जाते हैं, तो मैं किसी के लिए गलत नहीं बोल रहा हूँ। भाई डीजे लाइन वाले अभी इतना प्रयास कर रहे हैं अपने डीजे सेटअप्स को लेकर कि आपको समझना होगा उस चीज़ को। अब हमारी ऑल इंडिया एसोसिएशन है जिसमें हमारे वीरेंद्र बब्बर जी हैं और हमारे हेमंत भैया हैं, हमारी मुजफ्फरनगर की, भाई मेरठ की एसोसिएशन हो, मुजफ्फरनगर की हो, या बड़ौत की हो, या हमारी झारखंड की हो, उड़ीसा की हो, कोई भी हमारी एसोसिएशन हो, हमारा सभी को सपोर्ट है। ठीक है, हम अगर हर जगह की वीडियो बना रहे हैं तो हमारा सभी को सपोर्ट है। मैं आपको ये बात भी बता देता हूँ, हेमंत भैया और वीरेंद्र बब्बर जी इस टाइम पूरे जोरों से लगे पड़े हैं कि किसी तरीके से जो 25 तारीख को सुनवाई है वो अच्छे तरीके से निपट जाए, और इसमें हमारे डीजे कसाना रिस्टल वाले भी लगे हुए हैं, हो सकता है वो भी वहाँ पर जा रहे हैं। तो भाई हमारे ये हेमंत भैया और आपके ऑल इंडिया एसोसिएशन वीरेंद्र बब्बर जी जाकर इसकी सुनवाई देखेंगे, उसमें अपना पक्ष रखेंगे, और हम चाहते हैं कि वो अपना पक्ष रखकर और इस चीज़ में कामयाब हों, हर डीजे वाले को अपनी आज़ादी मिले, हर डीजे वाला जिस तरीके से अपने सेटअप बजाता है उस तरीके से बजाता रहे, क्योंकि उनकी वजह से काफ़ी सारा साउंड हमें सुनने को मिलता है, हमारी वीडियोस बनती हैं, कहीं ना कहीं उनका भी काफ़ी योगदान रहता है हमारी यूट्यूबर की लाइफ में। तो मैं ये बिल्कुल चाहूँगा कि उनको बिल्कुल अपनी तरफ से सपोर्ट की जाए। मैं हेमंत भैया और वीरेंद्र बब्बर जी के बिल्कुल सपोर्ट में हूँ, कभी भी मैं खिलाफ नहीं हूँ, चाहे वीडियो हमारी कम आए लेकिन उनके सपोर्ट में आई, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो हम उनके खिलाफ है। और अनुज भैया के तो भाई नसेंट तुम्हारा भाई सपोर्ट में ही है। ठीक है, अनुज भैया ने बहुत ही अच्छी चीज़ें करी हैं मेरे लिए भी। मैं अनुज भैया का, जैसे कि आपने देखा हो मेरी पुरानी वीडियो में देखा हो, अनुज भैया ने मुझे सम्मानित भी किया है। अनुज भैया ने पहले भी बोला था हम किसी डीजे के खिलाफ नहीं है, और हमेशा अनुज भैया ने ये चीज़ बोली है। मैं इस वीडियो के बीच में कहीं एक क्लिप ज्वाइन कर रहा हूँ, एक दो क्लिप इसमें अनुज भैया के बातों की आने वाली है, तो प्लीज़ इस वीडियो को देखते रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा। अनुज भैया की कुछ क्लिप इस वीडियो में ऐड ऑन कर रहा हूँ जो मुझे अच्छी लगी है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है, कि इन्हें यूं जलन हो रही है, का मामला ट्रेंडिंग में चल रहा है, सार्जन का, पंकज का,
सती का, भोले का, वो सभी डीजे वाले मेहनत करते हैं, मेहनत करते हैं। उन्होंने अच्छा काम कर रखा है, अच्छा नाम कर रखा है। सार्जन भाई का खुद का चैनल भी है, तुमने देखा भी होगा उनका, कितने उनके सब्सक्राइबर है। वो अपनी वीडियो डालते हैं डेली, अपना सामान जो सेल करते हैं उसकी वीडियो डालते हैं। तुम्हारी तरह ना, मतलब बैठ के ये फर्जी वीडियो नहीं बनाते। वो भी तो बोल सके इस चीज को कि भाई हमारे डीजे पावर म्यूजिक के चक्कर में बार बार वो ऐसे तुम वीडियो बना रहे हो और तुम हमें हकेन को नीचा दिखा रहे हो। नहीं, ऐसा मत करो, यहाँ के डीजे भी सब सही हैं और ना इतने कमजोर हैं के डीजे भी, उनके हैं अच्छे हैं, हम कह रहे हैं बढ़िया डीजे उनके, वो मेहनत करते हैं, मेहनत करके उन्होंने नाम बनाया है। कोई तुमने उनका नाम नहीं बनाया कि तुमने ही उनका नाम करा, लेकिन तुमने तो कंट्रोवर्सी के बीच में फंसा दिया था। और ना हमारी एसोसिएशन किसी को मना कर रही है बाहर के डीजे को लाने को, हेमंत भैया किसी डीजे को लाने के लिए मना नहीं कर रहे, ना हमारे वीरेंद्र बब्बर जी किसी डीजे को लाने के लिए मना कर रहे हैं कावड़ यात्रा में। ऑल इंडिया का भाई सबसे बड़ा कावड़ मेला होता है, ऑल इंडिया क्या, पूरे एशिया में सबसे बड़ा मेला होता है कावड़ मेला, जिसको कि सबसे ऊपर रखा गया है, टॉप लेवल पे रखा गया है। तो किसी ने किसी को मना नहीं किया है लाने के लिए, वीरेंद्र बब्बर जी हों, हमारे हेमंत भैया हों, वो सभी चाहते कि सारे सेटअप आए और अपना यहाँ पर प्रदर्शन दिखाए। लेकिन वो जब ही तो आ पाएंगे जब यहाँ का जो पोजीशन है वो ठीक होगी भाई। जब यहाँ की कंडीशन ही हम ठीक नहीं होने देंगे तो वो डीजे आएंगे कैसे? डीजे सार्जन भी नहीं आ सकता अगर जब तक कंडीशन ठीक नहीं होगी, डीजे पंकज भी नहीं आ सकता कंडीशन ठीक नहीं होगी, डीजे शशि भी नहीं आ सकता और डीजे पावर म्यूजिक भी नहीं आ सकता। डीजे जब ही यहाँ पर आएंगे जब यहाँ की कंडीशन सुधरेगी। अभी भाई यहाँ पे इतनी सख्ताई लगी हुई है, उसके बीच में कोई भी बाहर का डीजे भी यहाँ नहीं आ सकता। तो अभी हमारा सभी का फर्ज बनता है कि हम सब मिलकर एसोसिएशन का साथ दें, हेमंत भैया का साथ दें और अपना वीरेंद्र बब्बर जी या हमारी मुजफ्फरनगर की जो एसोसिएशन है, बड़ौद की जो एसोसिएशन है, सभी का साथ दें। तो अभी हमारा फर्ज इतना है कि हम आगे बढ़े और साथ दें और अच्छी तरीके से साथ देकर उनको ये जो 25 तारीख में हमारी याजी का जो भी हमारा केस वगैरह है इसको हमारे एसोसिएशन की तरफ से विजय हासिल होकर आया ना, अच्छी तरीके से बढ़िया एकदम बेहतरीन न्यूज़ मिले, जिस न्यूज़ को सुन के दिल खुश हो जाए। ठीक है, इस तरीके का कुछ न्यूज़ सुनने को मिलनी चाहिए एसोसिएशन की तरफ से। 25 तारीख का फैसला पूरा एसोसिएशन के पक्ष में आना चाहिए, मैं तो यही चाहता हूँ भाई, रियलिटी है। और ठीक है, सभी अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं, कहीं ना कहीं सभी के पॉइंट ऑफ व्यू सही है, चाहे वो कोई भी हमारा यूट्यूब पे कोई भी भाई भी रख रहा है ना, वो उसके पॉइंट ऑफ व्यू मैं ये नहीं कहता गलत है, सभी के पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी अच्छे हैं। और मैं भी ये चाहता हूँ कि आप सभी अपने पॉइंट ऑफ व्यू बनाए रखें, क्योंकि कभी कोई भी आपको गलत नहीं कह रहा, किसी यूट्यूबर को गलत नहीं बोला जा रहा है। अगर आप अपने मन पे ना लेकर जाएं तो किसी यूट्यूबर को गलत नहीं कहा जा रहा है। देखिए कहीं ना कहीं मैं सबसे बाहर ज़्यादा वीडियो शुरू से मैंने बाहर की बनाई है। ठीक है, जब से मैं यूट्यूब चैनल में आया हूँ मैं ही बाहर जाकर ज़्यादा वीडियोज़ बना रहा हूँ, लेकिन कहीं भी किसी ने मेरा नाम नहीं लिया है। तो मैं तो इस चीज़ को कहूँगा भाई, क्या हेमंत भैया को भी बहुत बहुत धन्यवाद है और वीरेंद्र बब्बर जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि भाई हम आपके सपोर्ट में ही रहेंगे। आप मुझे पता है जो गलत होगा देखो उसके बारे में बोला जाएगा, मैं गलत नहीं था, मेरे बारे में नहीं बोला गया, किसी ने मेरे बारे में नहीं बोला है, तो मैं तो बिल्कुल सपोर्ट में रहूँगा। अगर किसी को मेरे से कोई परेशानी है तो आप मेरा नंबर ले सकते हैं, मुझे डायरेक्टली बोल सकते हैं, मैंने पहली वीडियोज़ में भी बोला और अब की वीडियो में बोल रहा हूँ, मेरा नंबर आपको कहीं ना कहीं से मिल जाएगा। आपको वैसे मेरा नंबर नहीं मिलता, मेरी इंस्टा आईडी विधान चलाओ ब्लॉग के नाम से, कोई दिक्कत है तो आप वहाँ पे आइए, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कीजिए और हमें बता दीजिए। हम अगर हम उस चीज़ में गलत होंगे हम अपनी उस वीडियो को कन्फर्म है कि डिलीट करेंगे, ऐसा नहीं है हम किसी जिद पर नहीं अड़ेंगे और ना हमारी कोई जिद है, क्योंकि ऑल इंडिया हो चाहे हमारी कहीं की भी एसोसिएशन हो सभी को दिल से इज्जत करने की बात है भाई, इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि हमसे सीनियर्स हैं, वो सीनियर्स जुड़े हुए हैं, तो बिल्कुल भाई उनका पूरा सपोर्ट है, दिल से सपोर्ट बना रहेगा। सामने आकर किस तरीके का सपोर्ट देखे, ऐसा नहीं है कि भाई कुछ बोलो और कुछ दिखाओ, वो चीज़ अपने अंदर नहीं है। ठीक है, जो चीज़ है वो है, यहाँ के डीजे की वीडियोज़ भी आएंगी, मैंने आपसे काफ़ी सारी वीडियोज़ में बोला हुआ है कि मैं जल्दी यहाँ के डीजे की वीडियोज़ भी लाऊँगा। और अनुज भैया की भाई वीडियो देखकर आपका भाई का तो बिल्कुल एकदम, मैंने कहा चलो यार शोर शराबा रहता है, मैं आजकल सेंटर पे काम कर रहा हूँ तो यहाँ पे नहीं हो पा रहा है, मैं बहुत सारी चीज़ों को नहीं आपके सामने लेकर आ पा रहा हूँ, लेकिन भाई जल्दी हमारी वीडियोस कंटिन्यू आनी भी शुरू होंगी, आपको दिखाना भी शुरू होगा। और आपसे यही कहूँगा
कि आप भी अभी थोड़े टाइम वेट कीजिए, पहले डीजे एसोसिएशन के पक्ष साथ रहिए और जो कोर्ट से फैसला आता है उसी का सम्मान कीजिए सभी भाई मिलकर। और बहुत ही अच्छा हुआ यार, देखो सेटअप बजने चाहिए, बड़ा छोटा ये क्या होगा इसके मैटर बाद में देखेंगे, कांवड़ यात्रा होगी उसका भी देखेंगे, सभी डीजे वाले भी कोशिश करेंगे कि अपने सेटअप को अच्छे से कर पाए तैयार, और आगे बड़े सेटअप भी आएंगे। देखो कहीं ना कहीं देखो सेटअप डीजे वाले, डीजे एसोसिएशन हमारे क्या नाम है वीरेंद्र सर, वीरेंद्र बब्बड़ सर हों या हमारे हेमंत भैया हों, चाहे कोई भी एसोसिएशन हो, वो भी चाहेगी कि उनके सेटअप्स बड़े यहाँ पे दिखाई दें और अच्छे से सेटअप बजते हुए दिखाई दें, तो वो सारी चीज़ें भी होंगी, लेकिन धीरे धीरे एडजस्ट होगी वो चीज़ें। तो अभी जैसे गर्म माहौल है उसको थोड़ा शांत करने के लिए अभी बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी है, उसमें सभी भाइयों को साथ देना है एसोसिएशन का और सभी का, तो प्लीज़ सभी साथ दीजिए। और मैं आप सभी को फिर से कह रहा हूँ, अनुज भैया को आगे बढ़ के ज़रूर साथ दीजिए, अनुज भैया जो बातें कह रहे हैं उन पे ज़रा ध्यान दीजिए, अनुज भैया की पूरी वीडियो जरूर देखिएगा, आपने अगर नहीं देखी है अनुज डीजे धड़कन जरूर डालिएगा, आपको वीडियो देखने को मिलेगी उनके चैनल पर जा जाकर, और जल्दी से उस वीडियो को देखिए एंड अपना आपका क्या राय है उस वीडियो के बारे में ज़रूर कमेंट सेक्शन में रिप्लाई दीजिएगा। अभी अनुज भैया की मैंने इसमें दो क्लिप डाली हुई है, मैं अनुज भैया की दो क्लिप इस वीडियो में डाल रहा हूँ, तो प्लीज़ सपोर्ट करके ज़रूर बताइएगा। क्या कोई खिलाफ है? जो कह देते कोई भी कह देता है भाई खिलाफ है, इस तरीके से कोई किसी के खिलाफ नहीं है, सभी चाहते हैं कि सभी आए, जो डीजे आएंगे। देखो तुम हमें कह रहे हो जलन, तो देखो भाई हमें तो इतनी सी भी नहीं है किसी, और जो ये साउंड एसन वाले मना कर रहे हैं या हम मना कर रहे हैं ना, तुमसे मना कर रहे हैं, केवल कंट्रोवर्सी पैदा मत करो इस चीज को कर रहे हैं। ये एक बार भी कहा किसने कि बाहर का डीजे आने आना चाहिए? बताओ किसने कहा हो कि बाहर का डीजे आने आना चाहिए? हम कह रहे हैं बाहर के डीजे आने चाहिए, जितने भी जांच ज्यादा हमें सब आवे, और जो यहाँ के नियम है उनके अंदर वो काम करें, ऐसे ही हम काम करेंगे। मेरे दो सेटअप बुक हो चुके हैं कांवड़ यात्रा के लिए, हमारे पास में लिसाड़ी गांव में 10 बेस की डाटा है, सब बुक हमारी, एक हमारा मेरठ से सेटअप बुक है, वो भी बड़ा सेटअप बुक नहीं है हमारा। तो प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा बढ़कर सपोर्ट कीजिए एंड अच्छे से वीडियोस को सभी को प्यार देती रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड भाई तबाही तो मचा ही दीजिए, ठीक है। ये वीडियो इतनी ही शोर शराबा बहुत ज्यादा है, तो माफ कर देना कि अभी शोर शराबे में से वीडियो आ रही है, लेकिन बहुत ही जल्दी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए और भी आने वाली है। तो जय श्री राम, हर हर महादेव दोस्तों।